बंधु जी, किसानों के नेता राकेश टिकैत जी और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए बहादुर कर्मचारी साथियों, आपका दिल्ली में अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं, नमन करता हूं। और राकेश टिकैत जी जानते हैं, खेत के अंदर अगर बैल को ठीक से चलाना होता है तो उसकी नाक में नकेल डालनी होती है। आज इतनी तादाद में इकट्ठा होकर इस रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में इकट्ठा होकर मोदी सरकार की नाक पे नकेल डालने का काम आपने किया है। मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं आपको। और इसी मंच पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने कहा था जहां हमारा शासन वहां पुरानी पेंशन, और दिल्ली की विधानसभा में ओल्ड पेंशन की स्कीम बहाली की गई, और पंजाब के अंदर वहां की कैबिनेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। अरविंद केजरीवाल ने जो वादा आपसे किया है उसको पूरा करेंगे। हमने कहा है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी तो लागू होगी। केजरीवाल गारंटी देते हैं, झूठा वादा नहीं करते। और इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने तो देश की संसद में कहा, देश की पार्लियामेंट में कहा, 40 साल कोई कर्मचारी अगर नौकरी करता है, 40 साल अगर कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती, 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती, 40 दिन कोई विधायक रह जाता है, कोई सांसद रह जाता है, पूरी जिंदगी उसको पेंशन मिलती है, 40 साल कर्मचारी रहने वाले को पेंशन नहीं मिलती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में भरोसा दिलाने के आया हूं। देश की संसद में जब भी आपकी आवाज उठाने का मौका आया, मैंने पूरी मजबूती से आपकी आवाज उठाई है। अभी तो मुझे सस्पेंड करके बाहर किया है, लेकिन मैं जिस दिन बहाल होऊंगा संसद के अंदर जाऊंगा, पुरानी पेंशन का मसला फिर से देश के सर्वोच्च सदन में उठाने का काम करूंगा। ये वादा और भरोसा आपको दिला रहे हैं। आपकी लड़ाई में पहले दिन से आपकी लड़ाई में आपके साथ हूं, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हूं, आगे भी आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, कर्मचारी एकता, कर्मचारी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24। भारत के कोने कोने तक ये हमारी पेंशन की आवाज पहुंचे। मैं सूर्य सिंह त्रिपाठी जी जो भी जिसके पास भी गांव से मंच का निकले, ये दिल्ली गेट है। मैं दिल्ली गेट से निकला हूं और लोगों को दिखाऊंगा। ये वो लोग हैं जो सब आए हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, और इनसे कहाँ से आए हैं आप लोग? तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम वाले आंदोलन में आए थे? तो महिलाएं भी आई हुई हैं? जी आई हैं। आप लोग गए थे रामलीला मैदान? जाके आए हम लोग। कितने लोग थे? बहुत लोग थे, पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, लाखों लोग ही होंगे। तो मुझे जो इनके आयोजक हैं उन्होंने कहा था कि लगभग 5 लाख लोग आएंगे देश भर से, महिलाओं की भी संख्या थी। ये देखिए तमाम लोग हैं, मैं दिखाऊंगा, पूरा जाम हो गया है पूरा ये इलाका, पुरानी दिल्ली का इलाका है। और ये मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, और किस तरह से मीडिया जो है वो इग्नोर करती है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं तो किस तरह से इग्नोर करती है ये। मैं फिर ये क्रॉसिंग करके वो रोड है जहां से लोगों का तांता निकलेगा। देखिए हर जगह मैंने देखा है इसी तरह से लोग बैठे हुए हैं और जनसैलाब आया है, लेकिन टीवी अखबार में ये खबर नहीं है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम, मैं आपको बता दूँ, 2004 में ये बंद हुआ था। आप लोग उसी आंदोलन से आए हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम से? जी सर। कहाँ से आए हैं? हापुड़ से।
कितने लोग होंगे कम से कम उसमें? इसमें कम से कम 4 लाख ऊपर, 4-5 लाख लोग होंगे, तो 1 करोड़ के आसपास लोग हैं। 2004 में बंद कर दिया गया था, वाजपेयी की सरकार थी, ओल्ड पेंशन स्कीम। और मैं सिर्फ आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, मैं उस सड़क पर आ गया हूँ जिस पर ये अस्पताल है, और ये तस्वीरें अब आप यहाँ से रैला देख लीजिए कि लोग, मैं सिर्फ रामलीला मैदान की तरफ जा रहा हूँ, भीड़ होगी। मैं इस तरफ के रोड पर हूँ जो राजघाट की तरफ जा रही है, तो ये देखिए किस तरह का जन सैलाब है। कहाँ से आए थे आप लोग, कहाँ से आए थे भैया? हरिद्वार। सोचिए इस देश का टीवी अखबार कितना देश विरोधी है, जनता विरोधी है, ये खबर नहीं है। मैं आपको बता दूँ थोड़ा बैकग्राउंड में, लगभग 1 करोड़ कर्मचारी से अफेक्टेड हैं न्यू पेंशन स्कीम से, जिनको अब जो नौकरियां होंगी वो न्यू पेंशन स्कीम में है। ये लोग वो लोग हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। मैंने 2-3 दिन पहले इनके नेता का इंटरव्यू भी किया था, और उन्होंने जब कहा कि लगभग 5 लाख लोग आएंगे तो मुझे भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन आज इन्होंने साबित कर दिया है। मेरे कैमरामैन हैं नवीन और आशीष, जो उस रिपोर्ट को कवर भी कर रहे हैं। मैं थोड़ा ये देखिए किस तरह से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये जाते हुए लोग की तस्वीरें हैं। अभी रामलीला मैदान यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है, तालाब है पूरा, और 5 लाख लोग कम से कम आए थे, लेकिन इसको टीवी अखबार ने नहीं दिखाया। तो ये है मीडिया का असली चरित्र। आप सोचिए इस देश का कोई ऐसा तबका जिसके लोग मीडिया में, जुडिशियरी में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हैं, क्या उनके आंदोलन को बायकॉट किया जा सकता है? तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और लगभग 5 लाख लोग आए थे, इसमें महिलाएं भी हैं। ये सब लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये सिर्फ जाने वाले लोग का है। समय बज रहा है अभी का, आपको मैं अभी समय बता दूं कितना समय हुआ है, 2:12 हुए हैं। तो ये लोग लौटने वाले लोग हैं, देश भर से लोग आए थे जिनको दूर दूर तक जाना होगा, मुजफ्फरनगर से लोग आए हैं। तो मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, लेकिन सोचिए इतना बड़ा प्रदर्शन, इतनी संख्या में लोग, उसके बाद भी टीवी अखबार के कान पर जू नहीं रेंगता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग इस देश के शोषित वंचित समाज के कितने खिलाफ़ हैं।